हेलो दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम कितने कितने टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और उसके रिलेटेड बुक्स की डिस्कशन की थी। और दूसरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि लिगेंड्स, उसकी डेफिनेशन, डेंटिसिटी और मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में हम पढ़ रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर। तो अगर आपने ये वीडियो देखे नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां कर जाके उसको देख सकते हैं, फिर उसके बाद ही इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें। तो लेट्स स्टार्ट। तो बाइडेंटेट लिगेंड में कुछ लिगेंड रह गए हुए थे, उसे आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला लिगेंड रह गया था वो है BPY और BYPY, उसे शॉर्ट में BPY और BYPY लिखते हैं। उसका नेम क्या है? बायपिरिडीन। बायपिरिडीन, उसका मीनिंग क्या हुआ कि पहले तो आप ये एक पिरिडीन मॉलिक्यूल ले लो, पिरिडीन का दो मॉलिक्यूल ले लीजिए और उसको ऑर्थो पोजीशन से जॉइंट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका बायपिरिडीन। पिरिडीन क्या है कि हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेटरो यानी कि क्या, कि कार्बन के सिवाय, जो कार्बन की जगह उसके अलावा जो एटम प्रेजेंट है, यानी कि कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है वगैरह, यानी कि डिफरेंट एटम है कार्बन के सिवा का जो एटम होता है इसमें से, इसे हम हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चरों में, तो अगले चैप्टर में होगी चर्चा। तो ये हो गया हमारा बायपिरिडीन, यानी कि BPY और BYPY। ये शॉर्ट फॉर्म आपको इसलिए रिमाइंड करना जरूरी है, रिमेम्बर करना, क्योंकि ये काउंट्स में ऐसे कॉम्प्लेक्स दे देगा आपको, CrBPY3, यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स आपको दे देगा। तो आपको ये BPY क्या है वो पता ही नहीं है, तो आप इसकी CFSC वगैरह कैसे कैलकुलेट करोगे, यानी इसका कुछ भी आप नहीं निकाल पाओगे। सो इसीलिए आपको शॉर्ट फॉर्म, एब्रिविएशन फॉर्म है वो, रिमेम्बर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देन दूसरा लिगेंड है हमारा OPHEN और PHEN, उसको शॉर्ट में, एब्रिविएशन फॉर्म में OPHEN और PHEN लिखते हैं। उसका फुल नेम है ऑर्थोफिनांथ्रोलिन। तो फिनांथ्रोलिन तो आपने पढ़ा होगा, 12th में भी आता है। तो फिनांथ्रोलिन के फॉर्मूला आपको पता है, तो क्या करो, उसकी ये दो पोजीशन है, उस पर, उसके ऊपर नाइट्रोजन एटम को इंट्रोड्यूस कर दो, कार्बन एटम को रिप्लेस करके, देन आपका हो जाएगा ये ऑर्थोफिनांथ्रोलिन लिगेंड। देन हमारा रह गया था वो है डाई आर्स, यानी कि डाई आर्सिन, उसको डाई आर्सिन भी बोलते हैं, और उसका फुल नेम है ऑर्थोफिनिलीन डाइमिथाइल आरसी, ऑर्थोफिनाइलीन डाइमिथाइल आरसी। उसको कैसे लिखेंगे, पहले आप ये क्या करो, उसके नेम पर ही जाओ, ये फिनाइल मॉलिक्यूल का है तो हमने फिनाइल रिंग ड्रॉ कर दी। उसके बाद क्या करो, ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन हो गई फिनाइल रिंग। उसके बाद क्या कहा है कि ये आरसी, तो आप दोनों जगह पर आर्सिन लिख दो, और आर्सिन के सब्स्टिट्यूशन में क्या है, तो ये डाइमिथाइल है, तो ये दोनों आर्सिन पर आप दो मिथाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दो, ऐसे आपका हो जाएगा डाई आर्सिन लिगेंड, जो हमारे बाइडेंटेट लिगेंड में आता है। बाइडेंटेट लिगेंड हमारा क्या है बेसिकली, ये है ना कि दो साइड से मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ऐसे हमारा बनता है बाइडेंटेट लिगेंड। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे बाइडेंटेट लिगेंड को डिस्कस कर लिए, अब इतना तो आई थिंक सफिशियंट है, उससे बाहर तो मैंने अब तक एग्जाम में लिगेंड देखा नहीं है, फिर भी बहुत ही कम चांसेस है कि उसके बाहर से लिगेंड आए। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के लिगेंड, जो है हमारा ट्राइडेंटेट लिगेंड। बेसिकली क्या होता है कि लिगेंड के पास तीन डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं और तीन डिफरेंट साइड से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं हमारे मेटल को, जो इलेक्ट्रोफाइल
की तरह एक्ट करता है और हमारा लिगेंड है वो किसकी तरह एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो चलो हम ट्राइडेंटेड लिगेंड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा ट्राइडेंटेड लिगेंड। लिगेंड के पास क्या होगा, तीन डिफरेंट या फिर सेम डोनर एटम होंगे। हम लिखते हैं इसको एल शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। सेम ये क्या हुआ कि उसके पास तीन डिफरेंट या फिर सेम डोनर एटम है जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल है या फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। उससे वो क्या करेगा कि हमारी मेटल है जो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करती है उसको तीन साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि उसकी डेंसिटी हो जाएगी तीन। तो ऐसे हो जाएगा हमारा, ऐसे टाइप के लिगेंड को हम बोलेंगे ट्राइडेंटेड लिगेंड। तो हमने ये तो समझ लिया, अब हम उसके एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल होगा हमारा डाइईन, यानी कि डाइईन इसका नेम क्या है, डाइथाइलिन ट्राइमाइन, डाइथाइलिन ट्राइमाइन। उसको हम कैसे लिखेंगे, तो पहले आप ये काम करो, एक NH मॉलिक्यूल को, एमाइन मॉलिक्यूल को लिख लिया हमने NH3। अब एक हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसे, कि CH2 इथाइलिन एमाइन से हम एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर लिया। उसके बाद ऐसे ही दूसरे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और यहाँ पर फिर से CH2 NH2 लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे ये नाइट्रोजन एटम तीन हो गए, तो ये तीन साइड से मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो वैसे ये हो गया हमारा डाइईन, यानी कि डाइथाइलिन ट्राइमाइन, जो हमारा ट्राइडेंटेड लिगेंड है। तो उसके बाद हम दूसरा लिगेंड देखेंगे टर्पीवाई। ये क्या है टर्पीवाई, देन उसको बोल सकते हैं और ट्राइपीवाई, यानी कि अब देख लो टर यानी कि हो गया तीन, पीवाई यानी कि हो गया हमारा सिंपल सा पिरिडीन। तो ये क्या करना है आपको, तीन पिरिडीन के मॉलिक्यूल को ले लेने हैं। तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे इसकी बात है, तो हमने ये ले लिया हमारा एक पिरिडीन का मॉलिक्यूल। उसके बाद हम ले लें, उसके बाद भी हम ले लेंगे हमारा दूसरा पिरिडीन का मॉलिक्यूल, उसको भी हम जॉइंट कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम ले लेंगे हमारा तीसरा पिरिडीन का मॉलिक्यूल, उसको भी हम ऑर्थो पोजीशन से जॉइंट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा टर्पीवाई या फिर ट्राईपीवाई, या फिर आप ट्राईपिरिडीन भी उसको बोल सकते हो। तो ये लिगेंड हो गया हमारा टर्पीवाई, और ये हमने देखा डाइईन लिगेंड। उसके बाद हम नेक्स्ट लिगेंड को देखेंगे, वो है PACN। तो PACN क्या, PACN उसका शॉर्ट फॉर्म है, और उसको हम लिखेंगे 1,3,7 ट्राइएजा साइक्लोनोनेन। ये हमारा लिगेंड है TACN, 1,3,7 ट्राइएजा साइक्लोनोनेन। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, क्या तीन नाइट्रोजन एटम को आप लिख लिया। अब क्या करो, उन तीनों नाइट्रोजन एटम के बीच में एक इथाइलिन का मॉलिक्यूल को आप जॉइंट कर दो, कर दिया। उसके बाद क्या करो, ये नाइट्रोजन की वैलेंसी को चेक करो, यानी कि ये फॉर्म में दिखाता हूं तो यहाँ पर होता है CH2, ये कार्बन को डिनोटेट करने में यूज होता है। तो ये सारे हो गया, देन ये करो आप नाइट्रोजन की वैलेंसी को काउंट करो, यहाँ पर देखो 1,2, यानी कि अभी भी एक कम,
तो यहाँ पर क्या करो, एक हाइड्रोजन को ज्वाइंट कर दो, यहाँ पर भी ऐसे सेम और यहाँ पर भी ऐसे सेम तरीके से। तो अब आप कहोगे कि यार नोनेम कहाँ से आ गया, इसमें तो कार्बन है 6, तो ये नोनेन आना चाहिए था। नहीं, पर आपको ये नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो साइक्लो कंपाउंड होते हैं उसमें क्या है कि हिट्रो एटम को भी हमें काउंट करना होता है। यानी कि एग्जांपल के फॉर्म में मैं देता हूँ कि ये सपोज कीजिए इसको फ्यूरान भी बोलते हैं, फ्यूरान इसको। तो अब क्या करो, ये 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको आपको अलग फॉर्म में लिखना है, तो आपको इसको साइक्लो ब्यूटेन नहीं लिखना है, उसको लिखना है साइक्लो पेंटेन। ये बेसिक बता रहा हूँ, इसको साइक्लो पेंटेन नहीं होगा, पर क्या है कि ऑक्सीजन का भी आपको अलग प्रेफिक्स भी लगाना पड़ेगा, ऐसा होता है। तो ऐसे ही सेम यहाँ पर इसमें भी क्या करो, आप ऑल एटम को काउंट कीजिए एज अ ऐसे फॉर्म नोनेम, यानी कि अब काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो हो गया हमारा नोनेम। ऐसे ही इसको साइक्लो नोनेम लिखते हैं। तो आप, मैं समझता हूँ कि आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इतने लिगेंड थे हमारे ट्राइडेंटेट लिगेंड में। अब हम देखते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड के बारे में। ये टेट्राडेंटेट लिगेंड क्या है, वैसे ही यहाँ पर टेट्रा हुआ, आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप क्या करो, किसी भी वर्ड को डिस्टिंग्विश करके लिखो और उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकालो जो होते हैं, इसी तरीके से भी आप इजीली समझ सकते हो। तो ये क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर आप लिख लो टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो टेट्राडेंटेट लिगेंड में क्या करो, ये टेट्रा को अलग से लिख लो, टेट्रा प्लस ये डेंटेट को भी अलग से लिख लो। तो आपने क्या किया, टेट्राडेंटेट को अलग लिख लिया, तो टेट्रा यानी कि हो जाएगा हमारा 4, डेंटेट यानी कि ये तो हमारी है डेंटिसिटी, इसके बारे में तो हमने अपने लेक्चर में पढ़ा है, फिर भी बता देता हूँ। डेंटिसिटी यानी कि क्या है कि एटम्स को डोनेट एटम कितनी तरह लिगेंड है उसमें जो डिफरेंट टाइप्स एटम प्रेजेंट है वो कितनी तरह से, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर से डिफरेंट साइड से मेटल को बाइंड करता है, उसकी जो नंबर है उसको हम बोलते हैं डेंटिसिटी। यानी कि इसमें क्या हुआ कि टेट्रा यानी कि 4 साइड से ये डोनेट करता होगा, ये बेसिकली आपको समझ में आ गया। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि 1, 2, 3 और 4 साइड से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को। तो वैसे लिगेंड को हम क्या कहेंगे, टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो टेट्राडेंटेट लिगेंड के बारे में ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम उसका एग्जांपल लेते हैं। तो अब ले लो डाइन दिया था, अब ले लो ट्राइन। वैसे तो आप बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट टेट्राडेंटेट पेंटाडेंटेट उसमें क्या करो, इसका एग्जांपल है एन, इसका है डाइन, उसका है ट्राइन और इसका है टेट्राइन। ये एग्जांपल बेसिकली नाइट्रोजन एटम के और इथिलीन के फॉर्म में होते हैं। तो ये क्या है, इथिलीन डायमाइन, ये डाइथिलीन ट्राइमाइन, ट्राइथिलीन टेट्राइमाइन, टेट्राइथाइलीन पेंटाइमाइन, ये एग्जांपल है। तो अब देखो ट्राई इन को आप कैसे लिखोगे, तो ट्राई इन को लिखने के लिए आपको क्या करना है, पहले ये लिख लो NH मॉलिक्यूल दो और उन दोनों को एक इथाइलिन मॉलिक्यूल से ज्वाइंट कर दो। अब क्या करो, दूसरा इथाइलिन मॉलिक्यूल को ज्वाइंट कर दो, उसके साथ एमाइन ग्रुप को भी ज्वाइंट कर दो। वैसे यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करो और NH2 मॉलिक्यूल को ज्वाइंट कर दो। तो क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन है 4, तो ये 4 साइड से डोनेट कर सकेगा और चारों के चारों नाइट्रोजन एटम है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसी फॉर्म में। तो ये हो जाएगा हमारा टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो ये टेट्राडेंटेट लिगेंड का पहला एग्जांपल हमने देख लिया ट्राई इन। देन दूसरा एग्जांपल है हमारा
और ट्रिन, उस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका नाम मैं लिखने का भूल गया हूँ, ये भी लिख लेता हूँ। ट्राइथाइलीन टेट्रा एमाइन, और ये ट्रिन, ट्रिन का नाम भी लिख लेते हैं, ट्राई एमिनो ट्राई इथाइल एमाइन। तो इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। तो पहले आप लिख लो एक एमोनिया के मॉलिक्यूल को, लिख लिया। उसके बाद एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो और उसको इथाइल एमाइन से जो रिप्लेस कर दो। उसके बाद क्या करो, यहाँ पर एन एच टू था, अब दूसरा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया, वैसे ही क्या करो, इस नाइट्रोजन को फिर से इथाइलिन मॉलिक्यूल से, इथाइल एमाइन से रिप्लेस कर दो। उसके बाद क्या करो, ये हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दो इथाइल एमाइन से। तो ये हो जाएगा आपका ट्रिन, ये है ट्रिन और ये है ट्राइइन। तो आई होप ये दोनों टर्म काफी मिरर है, तो इसको आपको भूलना नहीं है। ये यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो, पर आपको कंफ्यूज होना नहीं है, इसको अच्छे से ध्यान में रख लेना है, क्योंकि ऐसा कहीं कहीं बनता है और उसमें से ही क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये देख लो, ट्राइन यानी क्या है, ट्राई इथाइलिन टेट्राएमाइन, तो ये आपका ऐसे हो गया। और ट्रिन क्या है, ट्राई एमिनो ट्राई इथाइल एमाइन, तो ये ऐसे फॉर्म होता है। ये दोनों स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा डिस्टिंग्यूश है, पर उसके नाम है वो सेम जैसे ही लगते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा ट्रिन और ट्राइन के बारे में। और एक दूसरा एक लिगेंड रह गया है, एनटीए यानी कि हमारी जो एग्जाम कंडक्ट करती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके बारे में बात नहीं करता हूँ मैं। ये दूसरा एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नॉट, ये एनटीए है क्या है कि नाइट्राइट और ट्राई एसीटेट को हम कैसे लिखेंगे। पहले आप अमोनिया के मॉलिक्यूल को लिख लो, उसके बाद क्या करो, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो एसीटाइल ग्रुप से, एसीओ माइनस, यानी कि एसीओ माइनस क्या है, CH3COOH हमारा एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, तो उसमें से आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल है उसे हम बोलते हैं एसीटेट। तो ये इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एसीओ माइनस, हो गया। उसके बाद क्या करो, दूसरा हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दो एसीओ माइनस, यानी कि ये मॉलिक्यूल CH3COOH। और उसके बाद तीसरे हाइड्रोजन को भी आप रिप्लेस कर दो एसीओ माइनस, तो ऐसे आपका फॉर्म हो जाएगा एनटीए, यानी कि नाइट्राइट और ट्राई एसिड, ये हमको बेसिकली फॉर्म करना था। तो अब हमने अभी समझ लिया टेट्राडेंटेट लिगेंड के बारे में, अब हम समझते हैं पेंटाडेंटेट लिगेंड के बारे में। पेंटाडेंटेट लिगेंड में क्या होगा, इस पेंटाडेंटेट वर्ड को आप डिस्टिंग्विश करो, यानी कि क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, डिसोसिएट करो, सॉरी ये वर्ड भी माइंड में आ नहीं रहा है, तो अब देखो ये पेंटाडेंटेट लिगेंड फिर हमारा। तो पेंटाडेंटेट लिगेंड में क्या करो, ये पेंटा नहीं, वो जो सोड़ा आती है वो नहीं, और पेंटा प्लस ये डेंटेट, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप पेंटा डेंटेट भी याद रख सकते हो। पर क्या है कि ये पेंटा यानी कि हो गया हमारा फाइव,
डेंटेट ये क्या है कि डेंटिसिटी, कि वो पांच साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल। तो ये लिगेंड कैसा होगा, एक साइड को डोनेट किया, दूसरी साइड, तीसरी, जैसे चौथी, ये पांचवा, फाइव। तो ये फाइव साइड से फाइव डिफरेंट या फिर सेम डोनर एटम होंगे हमारे लिगेंड के पास, और वो डोनेट करेंगे हमारे मेटल को। ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं पेंटाडेंटेट लिगेंड। तो अब उसके एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। तो उसका एग्जांपल है टेट्राइन, यानी कि क्या है, टेट्रा इथाइलिन पेंटा एमाइन, टेट्रा इथाइलिन पेंटा एमाइन। तो टेट्रा इथाइलिन पेंटा एमाइन, उसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, पहले आप लिख लो एक एमोनिया मॉलिक्यूल को। अब क्या करो, यहाँ पर से आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, और यहाँ पर आप ज्वाइंट कर दो एक इथाइलिन इथाइलिन का मॉलिक्यूल। सेम ये दूसरा हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दो, और आप यहाँ पर ज्वाइंट कर दो दूसरा इथाइलिन मॉलिक्यूल को। उसके बाद क्या करो, इससे भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लो, इससे भी एक को रिप्लेस कर लो, फिर जोड़ दो हमारा दूसरा इथाइलिन का मॉलिक्यूल। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही ज्वाइंट कर दो, ये हो जाएगा हमारा टेट्राइन, यानी कि टेट्रा इथाइलिन पेंटाएमाइन लिगेंड जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। कुछ नहीं करना है, एमोनिया का मॉलिक्यूल ले लो, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो इथाइलिन से, उसके बाद दूसरे हाइड्रोजन को भी ऐसे ही रिप्लेस कर दो। फिर यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन एटम आए हैं, उस दो हाइड्रोजन एटम को भी रिप्लेस कर दो, एक एक हाइड्रोजन एटम को डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रोजन से, और फिर से इथाइलिन का मॉलिक्यूल को ज्वाइंट कर दो, वैसे आपका फॉर्म हो जाएगा टेट्राइन। तो इतनी तो बात थी हमारी ये पेंटाडेंटेट लिगेंड के बारे में। अब हम पढ़ते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। बेसिकली हेक्साडेंटेट लिगेंड क्या होता है, हेक्सा प्लस डेंटेट, यानी कि हेक्सा यानी कि सिक्स, सिक्स डेंटिसिटी जिस लिगेंड की होगी उसको हम बोलेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड, यानी कि सिक्स डिफरेंट या फिर सेम एटम होंगे जो मेटल को सिक्स साइड से बाइंड करेंगे और क्या करेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, तो उसे हम बोलेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो ये हो गया हमारा डेंटिसिटी के बेसिस पर से आई थिंक स्टडी करने वाला ये लास्ट टाइप है। वैसे भी हेक्साडेंटेट भी हो सकता है, पर उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे एग्जाम में पूछा जाता नहीं है। सो हेक्साडेंटेट लिगेंड के तक सफिशियंट। तो हेक्साडेंटेट लिगेंड में क्या होगा कि लिगेंड है भी वो मेटल को सिक्स साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा, ऐसे, और ये इसी साइड से और ये इसी साइड से, यानी कि आप डेंटिसिटी काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। तो सिक्स साइड से लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये हेक्साडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। इसकी हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसमें इसके एग्जांपल में हम देखेंगे हेक्सा यानी कि सिक्स, डेंटेट यानी कि डेंटिसिटी, कि वो कितनी साइड से एटम को मिलेगी। तो एग्जांपल के फॉर्म में हम देखेंगे ईडीटी। ईडीटीए क्या है, तो ईडीटीए है इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसको हम बोलते हैं इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। उसमें आपको बेसिकली क्या करना है, पहले आप इथाइलिन मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर लो, इथिलीन को ड्रॉ कर लिया, उसके बाद क्या करो, ये डबल बॉन्ड को रिप्लेस कर दो, और दोनों साइड क्या करो, अमाइन मॉलिक्यूल को जॉइंट कर दो, कर दिया।
तो ये क्या होगा, ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। उसमें ही मैं आपको ईडीडीए का सारा फंडा समझा देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा और इसे क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, यानी कि H4EDTA हो गया। उसके बाद क्या करो, ये एच को रिप्लेस कर लो इससे हमारे SFT यानी कि एसीटेटो ग्रुप से, एसीटेटो ग्रुप से आपने रिप्लेस कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्ट करेगा 1 2 एंड 3 यानी कि ट्राइडेंटेड लिगेंड के फॉर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H3EDTA माइनस हो गया। उसके बाद ये दूसरे हाइड्रोजन को भी आप रिप्लेस कर लो एसीटेटो ग्रुप से तो ये क्या हो जाएगा, H2EDTA माइनस 2। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये 1 2 3 एंड 4 यानी कि ये एक्ट करेगा टेट्राडेंटेट लिगेंड के फॉर्म। अब क्या करो, ये हाइड्रोजन को भी आप रिप्लेस कर लो एसीटेटो ग्रुप से तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HEDTA माइनस 3। तो ये एक्ट करेगा हमारा किसकी फॉर्म में, 1 2 3 4 5 यानी कि पेंटाडेंटेड लिगेंड के फॉर्म में। अब ये चौथा हाइड्रोजन है उससे भी आप रिप्लेस कर लो एसीटेटो ग्रुप से तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, हेक्साडेंटेड लिगेंड की तरह। तो EDTA है बेसिकली ये सभी टाइप के क्या कहते हैं डेंटिसिटी शो करता है, तो आप ये ध्यान में रखना, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर क्या है कि आप नेगेटिव चार्ज को हटा के सभी जगह पर 4F4 एसीटेटो ग्रुप है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को हटा के आप हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये एसिटिक एसिड हो जाएगा। और आपने क्या किया कि ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पर एसिटिक एसिड को हटा के आपको कर देना है एसीटेटो, बस यही डिफरेंट है एसिटिक एसिड और एसीटेटो में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बेसिकली ये बात थी हमारी ये EDTA और हेक्साडेंटेड लिगेंड के बारे में। तो आई होप आपको ये डेंटिसिटी का क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लिगेंड के टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो क्या है कि क्या कहते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल, ये सब भी आज हम देख लेते हैं हमारे इस लेक्चर। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड के बारे में। एम्बिडेंटेड लिगेंड, तो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड बेसिकली क्या होता है कि आपने देखा होगा कि मोनोडेंटेड लिगेंड के बारे में हमने नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में सॉरी पढ़ लिया था। तो मोनोडेंटेड लिगेंड है उसके पास क्या है कि टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट डोनर एटम होते हैं, कई कई लिगेंड में टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट डोनर एटम रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, लाइक एग्जांपल ले लीजिए HCN माइनस का, ये सल्फर एटम से भी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ये नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यानी कि क्या है, या तो एम HCN फॉर्म करेगा या तो एम NCH फॉर्म करेगा। ये क्या फॉर्म करेगा ये डिपेंड करता है HCN हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल पर, वो हमारे पियर्सन साहब ने दिया हुआ था, वो भी हम हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या है, अब तो यहाँ पर इतना ही समझो कि ये लिगेंड है उसके पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है और वो किसी भी एटम से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है हमारे मेटल को, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है, तो ये ऐसे ही कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो ऐसे और क्या कर सकता है, ये लिंकेज आइसोमर भी फॉर्म कर सकता है। और ये लिंकेज आइसोमर क्या है उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चरों में
लिंकेज आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म वाला आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं उसमें हम लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि सिंपल क्या है कि एक लिंक जॉइन करता रहेगा मेटल के साथ NCS है तो उसके साथ ये S एटम डोनेट करेगा। यहाँ पर N ने दिया है तो यहाँ पर S देगा, ऐसे ही वो इन्फिनेट चेन बनाता है लिंकेज के फॉर्म में, उस फॉर्म बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ये बात थी हमारी लिंकेज आइसोमेरिज्म की, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड के बारे में आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब उसके हम एग्जांपल देख लेते हैं कि एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन कौन से है। तो पहला तो हो गया हमारा NCS-, देन होगा हमारा NO2-, देन हो जाएगा हमारा CO एंड S2O3-, की डाई सल्फाइड हो, देन होगा हमारा CN-, SO3-3, SO4-2, CO3-2, देन NO3-, देन होगा हमारा यूरिया का मोलिक्यूल CH NH2 CO NH2, यानी कि NH2 CO, देन होगा हमारा क्या कहते हैं उसे थायो यूरिया NH2 CH, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दोगे सल्फर से तो हो जाएगा थायो, सल्फर फॉर्म थायो को प्रेफिक्स लगाते हैं। देन क्या है हमारा लिगेंड, बस इतने लिगेंड तो आपको एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा है, वैसे तो कई सारे एग्जांपल थे पर इतने आपको टुकमा में क्या है कि शॉर्ट में आपको ये समझ में आ जाना चाहिए एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या है। बेसिकली मोनोडेंटेड लिगेंड है वो टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट डोनर एटम उसके पास रखता है, उसे हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो इतनी तो बात थी हमारी ये एम्बिडेंटेड लिगेंड के बारे में। अब हम हमारा नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिज तो आप सबने देखा ही होगा कि जो रिवर पर होते हैं, यानी कि रिवर में से वन साइड से दूसरी साइड को जाने के लिए जो हेल्प करता है वो हमारा होता है ब्रिज। वैसे ही यहाँ पर ऐसे ही आप समझो ब्रिजिंग लिगेंड। तो ब्रिजिंग लिगेंड में बेसिकली क्या है, उसके जो ब्रिजिंग लिगेंड के कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं उसे हम पॉलीक्लियर या फिर मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं, या तो पॉलीन्यूक्लियर बोलो या ब्रिजिंग बोलो या फिर मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स भी आप उसको कॉल कर सकते हो, यानी कि बोल सकते हो, स्पीक कर सकते हो। देन ये ब्रिजिंग लिगेंड क्या, तो हम ये देखते हैं कि हमारी एक रिवर जा रही है तो ये वन साइड है और ये अनदर साइड है, तो यहाँ पर हमको यहाँ से यहाँ जाना है तो हम ये नदी में तो बहुत ही पानी गहरा है तो हमें नदी में टुकमा में क्या है हमारे शरीर को साफ रखना है, तो हम ये नदी में तैर कर तो जाएंगे नहीं, तो क्या करना है उस पर हमने एक ब्रिज फॉर्म कर दिया है, या कि अब हमारा क्या है कि व्हीकल है वो चार सौ, तो हमने यहाँ पर से व्हीकल लेकर चले गए, तो ये क्या होगा हम वन साइड से अनदर साइड पर गए ये इस ब्रिज की हेल्प से। तो वैसे ही मेटल में क्या होता है कि ये मेटल है वो बहुत ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कि दो मेटल है, इन दोनों मेटलों को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है यानी कि रिक्वायर्ड है, तो क्या करेगा ये लिगेंड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, तो ये लिगेंड क्या करेगा ये मेटल को दोनों साइड से दोनों ही मेटल को ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो ये क्या हुआ हमको यहाँ पर वन साइड से अनदर साइड पर जाना था तो हमने ये रिवर का ब्रिज है उसका रिवर पर फॉर्म किया हुआ ब्रिज का हेल्प लिया था, वैसे ही क्या है कि ये मेटल को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है
तो ये लिगेंड है वो दोनों ही मैटर को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसीलिए हम ऐसे लिगेंड होते हैं उसे हम बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। तो ये समझ में आ गया होगा ब्रिजिंग लिगेंड का कॉन्सेप्ट आपको आयो। और अब उसका हम एग्जांपल देख लेते हैं ब्रिजिंग लिगेंड का। तो उसमें तो पहले आपके जो एलोजन एटम है ऑल एलोजन एटम यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब ले लेते हो आप। देन दूसरा होगा हमारा वाटर मॉलिक्यूल ओ माइनस टू ओ टू माइनस, देन हो जाएगा सी एच एन एच टू एन एच टू यानी कि इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोजन सॉरी, देन एच सी एन माइनस सी ओ सी एन माइनस, देन होगा हमारा एनओ टू माइनस ओ टू माइनस टू, देन एसओ थ्री माइनस टू, देन होगा हमारा एसओ फोर माइनस टू, देन सीओ थ्री माइनस, देन पाइरेजिन। पाइरेजिन का फॉर्मूला तो आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है कि दो आपको सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपने बेंजीन रिंग को फॉर्म कर दी और अब उसके पैरा सब्स्टिट्यूशन वाला कार्बन है दोनों उसको नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा हमारा पाइरेजिन मॉलिक्यूल। तो वैसे ये सब लिगेंड है वो ब्रिजिंग की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। तो इतनी बात थी हमारी ब्रिजिंग लिगेंड के बारे में। अब हम पढ़ते हैं दूसरा हमारा नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, वो है ब्रिजिंग लिगेंड के बाद आता है हमारा फ्लेक्सिलेटेड लिगेंड। चलो हम फ्लेक्सिलेटेड लिगेंड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्लेक्सिलेटेड लिगेंड में क्या होता है बेसिकली फ्लेक्सिलेटेड लिगेंड, तो ये फ्लेक्सिबल यानी कि ये है फ्लेक्सिबल और ये डेंटेड है यानी कि डेंटिसिटी। फ्लेक्सिबल का मीनिंग क्या होता है, फ्लेक्सिबल का मीनिंग होता है वेरी करना, वो यानी कि क्या है वेरी करता रहता है डिफरेंट चला रहता है। तो ये फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी यानी कि एक ही लिगेंड है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डेंटिसिटी को शो करेगा उसे हम बोलेंगे फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड। यानी कि कोई भी लिगेंड है वो पहले केस में एक एप्टिसिटी शो करता है, दूसरे केस में वो दो एप्टिसिटी को शो कर सॉरी दो डेंटिसिटी को शो करता है और तीसरे केस में वो तीन डेंटिसिटी को शो करता है। तो ऐसे लिगेंड होते हैं हमारे उसे हम बोलेंगे फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड, यानी कि सिंपली उसकी डेंटिसिटी हो है वो वेरी करती रहनी चाहिए उसे हम बोलेंगे फ्लेक्सिलेटेड लिगेंड। तो अब हम उसके और फिर क्या है कि उसमें एक ही एटम है लिगेंड का वो डोनेट करेगा मेटल को तो ये नॉन क्लेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। देन दो एक से ज्यादा एटम है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे मेटल को लिगेंड के तो वो बनाएगा किलेट कॉम्प्लेक्स। किलेट यानी कि क्या है बेसिकली रिंग, रिंग फॉर्म करेगा। तो इसमें रिंग में भी कॉन्सेप्ट है थ्री और फोर मेंबर्ड रिंग बनाएगा, तो ज्यादातर ये कॉम्प्लेक्स रहेगा अनस्टेबल। देन फाइव और सिक्स मेंबर्ड रिंग को फॉर्म करेगा तो ज्यादातर ये स्टेबल रहेगा। ऐसा क्यों है तो आप देख लीजिए ये मेटल है ये लिगेंड है उसने ये तीन मेंबर की रिंग फॉर्म कर लिया फिर चार मेंबर की रिंग फॉर्म कर ली, तो क्या होगा यहाँ पर एंगल स्ट्रेन इंट्रोड्यूस हो जाएगी इंट्रोड्यूस क्या एंगल स्ट्रेन, उसकी वजह से हमारा कॉम्प्लेक्स है वो अनस्टेबल हो जाएगा। और एंगल स्ट्रेन उसके बारे में एक साइंटिस्ट थे बेयर स्ट्रेन थ्योरी
उसने उसके नाम पर ही स्ट्रेंथ थ्योरी दी हुई थी, उसमें उन्होंने एंगल स्ट्रेंथ के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, जो हमने देखते हैं कि साइक्लोपेंटेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, प्रोपेन, ये सब रिंग के बारे में उसने रिंग स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया है। तो उसका भी फॉर्मूला है कि ब्यूटेन है तो जिसका भी एंगल है वो टेट्राहेड्रल एंगल की नज़दीक आएगा तो वो रिंग ज़्यादा स्टेबल होगी, ये साहब का ऐसा मानना है। और उससे जो डिफरेंट रहेगा तो वो ज़्यादातर अनस्टेबल रहेगा, ये ऐसा मानते हैं। तो ये ऐसे काफ़ी किस्सों में ये सही भी निपटा हुआ है। पर क्या होता है, कभी कभी एक्सेप्शन आते हैं, उसमें ये केस है वो डिफरेंट हो जाता है। अब मैं आपको उसको भी एक एक्सेप्शन के बारे में बताऊंगा, जो एक दो बार नेट में भी आ चुका है और एग्जाम में तो आता ही रहता है। तो आप देख लो, ये हमने लिख लिया कोबाल्ट NO3 का 6, उसका कॉम्प्लेक्स ले लिया, देन सॉरी 3 माइनस होगा, एंड और एक कॉम्प्लेक्स ले लिया हमने सीरियम का, सीरियम NO3 6, एंड उसके पर चार्ज है -2, ये एक्सेप्शन आ चुका है। उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पूछता, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, आप तो क्या करोगे, ये लिगेंड की नंबर ऑफ लिगेंड्स को देखकर आप 6 कह दोगे दोनों का, ये किस्से में आप राइट हो जाओगे और ये किस्से में आप रॉन्ग हो जाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये लिगेंड है, ये मेटल का साइज छोटा है, सो ये एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यानी कि एक ही एटम से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑल 6 NO3 लिगेंड, तो उसकी एप्टिसिटी सॉरी उसकी डेंटिसिटी हो जाएगी 6, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए। आपको है ना नंबर ऑफ लिगेंड देखकर कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर को बताना नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है तो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सही तरीका है। तो आप कहीं पर भी उसका क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे। तो क्या है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसमें 6 फॉर्म होते हैं, और उसमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसमें इस कॉम्प्लेक्स में सीरियम वाले में 12 फॉर्म होते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। और नंबर ऑफ लिगेंड देखकर बताओगे तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। सो इतनी बात है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि इसमें जो ये है वो क्या है कि फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के तरीके से NO3 वर्क करेगा, तो यहाँ क्या है कि मेटल की साइज छोटी है तो एंगल स्ट्रेन क्या होगी बहुत ही नजदीक आ जाएगी, यानी कि नियरर होगी। और यहाँ पर क्या है सीरियम का साइज बहुत ही बड़ा है, तो ये NO3 लिगेंड है ये क्या करेगा कि अपनी डेंटिसिटी को 2 शो करेगा, तो भी यहाँ पर एंगल स्ट्रेन इंट्रोड्यूस नहीं होगी क्योंकि मेटल की साइज है वो लार्ज है। ऐसे ही ज़्यादातर लेंथेनाइट के कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेंथेनाइट या फिर एक्टिनाइट उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं या ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन रिड्यूस हो जाएगी और ऐसे ये क्या करेगा कि ये हो जाएगा हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स, इसीलिए ये आपको ध्यान में रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कभी भी नंबर ऑफ लिगेंड्स को देखकर नहीं नहीं और नहीं बताना है, और आपको बताना है तो सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म। तो अब उसके हम एग्जांपल्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके एग्जांपल हुए हमारे CO3-2, SO3-2, NO3- को तो हमने देखा ही था, देन SO4-2 है, देन PO4-3 है, देन है हमारा N2O2 एंड ऑल्सो हाइड्रोजन इंक्लूडेड एक्सेट्रा। तो ये सारे लिगेंड है, ये फ्लेक्सिबल लिगेंड है, उसकी डेंटिसिटी वो चेंज करते रहते हैं डिफरेंट कंडीशन। सो इतनी तो बात थी हमारी ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के बारे में।
अब हम एक स्पेशल क्लास का लिगेंड है, स्पेशल क्लास के टाइप का जो है मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड क्या है? मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड है और ये स्पेशल क्लास का है, स्पेशल क्लास ऑफ लिगेंड। यानी कि क्या है, उसमें ज्यादातर किलेटिंग लिगेंड्स होते हैं और जो किलेट रिंग फॉर्म करते हैं ये स्टेबल होते हैं कंपेयर टू नॉन किलेट कॉम्प्लेक्स। इसकी जगह पर भी ये मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है, इससे भी मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करेगा। तो ये है हमारा मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। तो ये मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है, ये कहाँ, इसके एग्जांपल क्या है? पोरफिरिन है, देन क्लोरीन है, एक्सेट्रा। तो ये कॉम्प्लेक्स इसके कौन कौन से है? ये पोरफिरिन का स्ट्रक्चर तो हम देखेंगे कहाँ पर, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ पर उसका बेसिकली मैक्सिमम यूज होता है। और ये है विटामिन बी 12 में आता है, देन आएगा हमारा हीमोग्लोबिन जो हमारा ब्लड है, देन मायोग्लोबिन है, देन क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन ट्रीज। तो ये सब है हमारे मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड का क्लास, उसको हम वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेन करेंगे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ये बात थी हमारी मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड के बारे में। तो चलो अब हम लास्ट टाइप देख लेते हैं लिगेंड का, क्लासिफिकेशन का। तो ये होगा हमारा सिमेट्री एंड अनसिमेट्री बाइडेंटेड लिगेंड, सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। तो ये सिमेट्रिक लिगेंड उसको डिनोट कैसे करें? सिमेट्रिक यानी कि क्या है, जो डोनर एटम है, डोनर एटम सिमेट्रिक में हो गए सेम, अनसिमेट्रिक में हो गए डिफरेंट। तो सेम डोनर एटम को ये, अगर आपको ये लिगेंड को डोनेट डिनोट करना है सॉरी, तो ये इसको ऐसे आप डिनोट कर सकते हो, यानी कि ये सेम डोनर एटम है, ये यानी कि डोनर एटम सेम है और यहाँ पर क्या है डिफरेंट है, इसलिए इसको दोनों डिफरेंट डोनर एटम को ए और बी लिख लो और उसको ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हो, यहाँ पर लिगेंड लिख सकते हो, यानी कि शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे हम इथिलीन डायमंड का मॉलिक्यूल EN है, तो इथिलीन डायमंड मॉलिक्यूल को आपको लिखना है तो आप ऐसे लॉन्ग करके लिखोगे और वैसे ही आपको मेटल को डिनोट करना। तो इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, सिर्फ आपको नाइट्रोजन एटम लिखना है और इसको ऐसे डिनोट कर देना है और यहाँ पर EN लिख देना है और ये मेटल को डोनेट कर दिया। तो ये दोनों एक ही है, उसको इसको देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी ये नोटेशन भी आ जाता है तो उसको देखकर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ये दोनों सेम ही है। सो EN को आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो और ये शॉर्ट ये दर्शाने का वो तरीका होता है। तो EN ये हमारा हो गया सिमेट्रिक लिगेंड बाइडेंटेड। उसके बाद है OPHEN, ऑर्थोपिनाथ्रोलिन देखा था, देन बायपीरिडीन देखा था, उसमें दो नाइट्रोजन सेम डोनर थे, इसमें भी दो नाइट्रोजन सेम डोनर थे, वैसे ही कई सारे लिगेंड है पर आपको ये बेसिकली समझना था कि सिमेट्रिक लिगेंड क्या होता है। देन अनसिमेट्रिक लिगेंड में देखोगे तो हमने देखा था GLY, यानी कि ये एमिनो एसिड था, आपको नहीं पता है याद है तो मैं आपको बता देता हूँ, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन था ना, उसको हमने ग्लाइसिनेटो लिखा था, यानी कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, ये कैसे लिखा था, NH2CH2COOH, ये इसको रिप्लेस कर दिया तो माइनस हो गया। यहाँ पर देखो ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, दोनों डिफरेंट डोनर एटम हो गए, इसीलिए हम बोलेंगे उसको अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड।
और दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेफ्थोल आयन, तो ये क्या है? अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेफ्थोल आयन। तो पहले क्या करो, आप एक बेंजीन रिंग को ड्रॉ कर लो, उसके बाद आप ड्रॉ कर लो दूसरी बेंजीन रिंग को, यानी कि नेफ्थलीन को ही ड्रॉ कर लो सिंपली। देन क्या करो, ये डबल बॉन्ड को रहने दो, यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस को रख दो और यहाँ पर NO को रख दो। देन क्या होगा, ये जो हमारा लिगेंड है वो क्या करेगा, एक तो इस नाइट्रोजन से डोनेट करेगा, दूसरा ये ऑक्सीजन से डोनेट करेगा। तो ये अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेफ्थोल आयन है वो भी हमारा हो जाएगा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो इतनी तो बात थी हमारी, ये सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड के बारे में। और हम दो टर्म और देख लेते हैं, ये होमोलेप्टिक एंड हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है हमारा होमोलेप्टिक एंड हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलेप्टिक यानी कि क्या है, होमो यानी कि सेम, और हिट्रो यानी कि डिफरेंट। ये डिफरेंट क्या होगा, लिगेंड। होमोलेप्टिक में पूरे कॉम्प्लेक्स में सेम ही लिगेंड होगा, यानी कि एक ही टाइप का लिगेंड होगा, वन टाइप ऑफ लिगेंड। जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स में आप देख पा रहे हैं NO3 ही, सारे के सारे लिगेंड NO3 ही है। और यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट लिगेंड होंगे। तो उसका एग्जाम्पल आप देख लो, CONH3 4 NCl 2 ऊपर आ जाएगा प्लस, हो गया। ये हो गया हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड, NH3 भी है और क्लोरीन भी है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड हो गए, टू टाइप्स हो सकते हैं, 3 4 5 6 एक्सेट्रा, जितने भी टाइप के हो, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड हो गए उसको हम बोलेंगे हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, एंड सेम टाइप के कॉम्प्लेक्स हो गए उसके बोलेंगे हम होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो इतनी बात हमने यहाँ पर आज सीख ली। उसके बाद हम कहीं लिगेंड के नेम रह गए उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उसी लेक्चर में वर्नर्स थियोरी, जो फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज विन किया हुआ था, फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट ऐसे थे, उसके कॉम्प्लेक्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वर्नर्स थ्योरी एंड सम लिगेंड्स जो इम्पोर्टेंट है वो हम दो लेक्चर में कवर नहीं कर पाए, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपके साथ और इन टॉपिक्स को लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए और आप पहले हमारा वीडियो को देख लो। तो इस वीडियो के बारे में इतना ही। अगर आपका कोई सजेशन है, फिर क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।